आप सुन रहे हैं हिंदी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी हुई कहानी लैला। यह कोई न जानता था कि लैला कौन है, कहाँ से आई है और क्या करती है। एक दिन लोगों ने एक अनुपम सुंदरी को तेहरान के चौक में अपने ढाब पर हाफिज की एक गज़ल झूम झूम कर गाते सुना। रशीद मुजरा की अयाम गम न ख्वाहत मांद, चुना न मांद चुनी नीज हम न ख्वाहत मांद, और सारा तेहरान उस पर फिदा हो गया। यही लैला थी। लैला के रूप लालित्य की कल्पना करनी हो तो उषा की प्रफुल्ल लालिमा की कल्पना कीजिए। जब नील गगन स्वर्ण प्रकाश से सज्जित हो जाता है, बाहर की कल्पना कीजिए। जब बाग में रंग रंग के फूल खिलते हैं और बुलबुलें गाती हैं, लैला के स्वर लालित्य की कल्पना करनी हो तो उस घंटी के अनवरत ध्वनि की कल्पना कीजिए, जो निशा की निस्तब्धता में ऊँटों की गर्दनों में बसती हुई सुनाई देती है, या उस बांसुरी की ध्वनि की जो मध्याह्न की आलस्यमय शांति में किसी वृक्ष की छाया में लेटे हुए चरवाहे के मुख से निकलती है। जिस वक्त लैला मस्त होकर गाती थी, उसके मुख पर एक स्वर्गीय आभा छलकने लगती थी। वह काव्य संगीत सौरभ और सुषमा की एक मनोहर प्रतिमा थी, जिसके सामने छोटे और बड़े, अमीर और गरीब सभी के सिर झुक जाते थे। सभी मंत्रमुग्ध हो जाते थे, सभी सिर धुनते थे। वह उस आने वाले समय का संदेश सुनाती थी, जब देश में संतोष और प्रेम का साम्राज्य होगा, जब द्वंद्व और संग्राम का अंत हो जाएगा। वह राजा को जगाती और कहती, यह विलासिता कब तक, ऐश्वर्य भोग कब तक। वह प्रजा की सोई हुई अभिलाषाओं को जगाती, उनकी हथरियों को अपने स्वर से कंपित कर देती। वह उन अमीर वीरों की कीर्ति सुनाती जो दीनों की पुकार सुनकर विकल हो जाते थे। उन विदुषियों की महिमा गाती जो केवल मर्यादा पर मर मिटी थी। उसकी अनवरत ध्वनि सुनकर लोग दिलों को थाम लेते, तड़प जाते। सारा तेहरान लैला पर फिदा था। दलितों के लिए वह आशा की दीपक थी, रसिकों के लिए जन्नत की हूर, धनियों के लिए आत्मा की जागृति और सत्ताधारियों के लिए दया और धर्म का संदेश। उसकी भौहों के इशारे पर जनता आग में कूद सकती थी, जैसे चैतन्य जड़ को आकर्षित कर लेता है। उसी भांति लैला ने जनता को आकर्षित कर लिया था, और यह अनुपम सौंदर्य सुधा की भांति पवित्र, हिम के समान निष्कलंक और नवकुसुम की भांति अनिंद्य था। उसके लिए प्रेम कटाक्ष एक भेद भरी मुस्कान, एक रसीली अदा पर क्या ना हो जाता। कंचन के पर्वत खड़े हो जाते, ऐश्वर्य उपासना करता, रियासतें पैर की धूल चाटती, कवि कट जाते, विद्वान घुटने टेकते, लेकिन लैला किसी की ओर आंख उठाकर भी न देखती थी। वह एक वृक्ष की छांव में रहती, भिक्षा मांगकर खाती और अपनी हृदय वीणा के राग अलापती थी। वह कवि की शुक्ति की भांति केवल आनंद और प्रकाश की वस्तु थी, भोग की नहीं। वह ऋषियों के आशीर्वाद की प्रतिमा थी, कल्याण में डूबी हुई, शांति में रंगी हुई। कोई उसे स्पर्श न कर सकता था, उसे मोल न ले सकता था। एक दिन संध्या समय तेहरान का शहजादा नादिर घोड़े पर सवार उधर से निकला, लैला गा रही थी। नादिर ने घोड़े की बाग रोक ली और देर तक आत्मविस्मृत की दशा में खड़ा सुनता रहा। गजल का पहला शेर यह था, मरा दर देस्त अंदर दिल गोयम जमा सोजत, बगैर दम दर कशम तरसन की मगजी इस्तख्वा सोजत। फिर वह घोड़े से उतरकर वहीं जमीन पर बैठ गया और सिर झुकाए रोता रहा। तब वह उठा और लैला के पास जाकर उसके कदमों पर सिर रख दिया। लोग अदब से इधर उधर हट गए। लैला ने पूछा, तुम कौन हो? नादिर, तुम्हारा गुलाम। लैला, मुझसे क्या चाहते हो? नादिर, आपकी खिदमत करने का हुक्म, मेरे झोपड़े को अपने कदमों से रोशन कीजिए। लैला, यह मेरी आदत नहीं। शहजादा फिर वहीं बैठ गया और लैला फिर गाने लगी, लेकिन गला थर्राने लगा, मानो वीणा का कोई तार टूट गया हो।
उसने नादिर की ओर करुण नेत्रों से देखकर कहा, तुम यहाँ मत बैठो। कई आदमियों ने कहा, लैला हमारे हुजूर शहजादा नादिर हैं। लैला बेपरवाही से बोली, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन यहाँ शहजादों का क्या काम है? उनके लिए महल हैं, महफिलें हैं और शराब के दौर हैं। मैं उनके लिए गाती हूँ जिनके दिल में दर्द है, उनके लिए नहीं जिनके दिल में शौक है। शहजादे ने उन्मत्त भाव से कहा, लैला तुम्हारी एक तान पर अपना सब कुछ निसार कर सकता हूँ। मैं शौक का गुलाम था, लेकिन तुमने दर्द का मजा चखा दिया। लैला फिर गाने लगी, लेकिन आवाज़ काबू में न थी, मानो वह उसका गला ही न था। लैला ने ढाप कंधे पर रख लिया और अपने डेरे की ओर चली। श्रोता अपने अपने घर चले। कुछ लोग उसके पीछे पीछे उस वृक्ष तक आए जहां वह विश्राम करती थी। जब वह अपनी झोपड़ी के द्वार पर पहुंची, तब सभी आदमी विदा हो चुके थे। केवल एक आदमी झोपड़ी से कई हाथ पर चुपचाप खड़ा था। लैला ने पूछा, तुम कौन हो? नादिर ने कहा, तुम्हारा गुलाम। लैला तुम्हें मालूम नहीं कि मैं अपने अमन के गोशे में किसी को नहीं आने देती? नादिर, यह तो देख ही रहा हूँ। लैला, फिर क्यों बैठे हो? नादिर, उम्मीद दामन पकड़े हुए है। लैला ने कुछ देर के बाद फिर पूछा, कुछ खाकर आए हो? नादिर, अब तो न भूख है न प्यास। लैला, आओ आज तुम्हें गरीबों का खाना खिलाऊं, इसका मजा भी चख लो। नादिर इनकार न कर सका। बाज उसे बाजरे की रोटियों में अभूतपूर्व स्वाद मिला। वह सोच रहा था कि विश्व के इस विशाल भवन में कितना आनंद है। उसे अपनी आत्मा में विकास का अनुभव हो रहा था। जब वह खा चुका, तब लैला ने कहा, अब जाओ, आधी रात से ज़्यादा गुजर गई। नादिर ने आंखों में आंसू भरकर कहा, नहीं लैला, अब मेरा आसन भी यहीं जमेगा। नादिर दिन भर लैला के नगमे सुनता, गलियों में, सड़कों पर, जहाँ वह जाती उसके पीछे पीछे घूमता रहता। रात को उसी पेड़ के नीचे जाकर पड़ा रहता। बादशाह ने समझाया, मलिका ने समझाया, उमर ने मिन्नतें की, लेकिन नादिर के सिर से लैला का सौदा न गया। जिन हालों लैला रहती थी, उन हालों वह भी रहता था। मलिका उसके लिए अच्छे से अच्छे खाने बनाकर भेजती, लेकिन नादिर उनकी ओर देखता भी न था। लेकिन लैला के संगीत में अब वह छुदा न थी। वह टूटे हुए तारों का राग था, जिसमें न वह लोस था, न वह जादू, न वह असर। वह अब भी गाती थी, सुनने वाले अब भी आते थे, लेकिन अब वह अपना दिल खुश करने को गाती थी और सुनने वाले विहल होकर नहीं, उसको खुश करने के लिए आते थे। इस तरह 6 महीने गुजर गए। एक दिन लैला गाने न गई। नादिर ने कहा, क्यों लैला, आज गाने न चलोगी? लैला ने कहा, आप कभी न जाऊंगी। सच कहना, तुम्हें अब भी मेरे गाने में पहले ही का सा मज़ा आता है। नादिर बोला, पहले से कहीं ज़्यादा। लैला, लेकिन और लोग तो अब पसंद नहीं करते। नादिर, हाँ मुझे इसका ताज्जुब है। लैला, ताज्जुब की बात नहीं, पहले मेरा दिल खुला हुआ था, उसमें सबके लिए जगह थी, वह सबको खुश कर सकता था। उसमें से जो आवाज़ निकलती थी, वह सबके दिलों में पहुँचती थी। अब तुमने उसका दरवाज़ा बंद कर दिया, अब वह तुम्हारे सिवा किसी के काम का नहीं रहा। चलो मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूँगी, आज से तुम मेरे मालिक हो। चलो मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूँगी, आज से तुम मेरे मालिक हुए। थोड़ी सी आग लेकर इस झोपड़ी में लगा दो, इस ढप को उसी में जला दूँगी। तेहरान में घर घर आनंदोत्सव हो रहा था। आज शहजादा नादिर लैला को ब्याह कर लाया था। बहुत दिनों के बाद उसके दिल की मुराद पूरी हुई थी। सारा तेहरान शहजादे पर जान देता था और उसकी खुशी में शरीक था। बादशाह ने तो अपनी तरफ से मुनादी करवा दी थी कि इस शुभ अवसर पर धन और समय का अपव्यय ना किया जाए। केवल लोग मस्जिदों में जमा होकर खुदा से दुआ मांगे कि वह और वधू चिरंजीवी हों और सुखी से रहें। लेकिन अपने प्यारे शहजादे की शादी में धन और धन से अधिक मूल्यवान समय का मुंह देखना किसी को गंवारा ना था। रईसों ने महफिलें सजाईं, चिराग जले, बाजे बजवाए, गरीबों ने अपनी डपलियां संभाली
और सड़कों पर घूम घूम कर उछलते कूदते फिरे। संध्या के समय शहर के सारे अमीर और रईस शहजादे को बधाई से चमकता और मनोल्लास से खिलता हुआ आकर खड़ा हो गया। काजी ने अर्ज की, हुजूर पर खुड़स की बरकत हो। हजारों आदमियों ने कहा आमीन। शहर की ललनाएं भी लैला को मुबारकबाद देने आईं। लैला बिल्कुल सादे कपड़े पहने थी, आभूषणों का कहीं नाम ना था। एक महिला ने कहा, आपका सुहाग सदा सलामत रहे। हजारों कंठों से ध्वनि निकली, आमीन। कई साल गुजर गए। नादिर अब बादशाह था और लैला उसकी मलिका। ईरान का शासन इतने सुचारू रूप से कभी ना हुआ था। दोनों ही प्रजा के हितैषी थे, दोनों ही उसे सुखी और संपन्न देखना चाहते थे। प्रेम ने वे सभी कठिनाइयां दूर कर दी जो लैला को पहले शंकित करती रहती थी। नादिर राज सत्ता का वकील था, लैला प्रजा सत्ता की, लेकिन व्यवहारिक रूप से उनमें कोई भेद न पड़ता था। कभी यह दब जाता, कभी वह हट जाती। उनका दाम्पत्य जीवन आदर्श था। नादिर लैला का रूप देखता था, लैला नादिर का। काम से अवकाश मिलता तो दोनों बैठकर गाते बजाते, कभी नदियों की सैर करते, कभी किसी वृक्ष की छांव में बैठे हुए हाफिज की गजलें पढ़ते और झूमते। न लैला में अब उतनी सादगी थी, न नादिर में अब उतना तकल्लुफ था। नादिर का लैला पर एकाधिपत्य था जो साधारण बात न थी। जहाँ बादशाहों की महल सरा में बेगमों के मोहल्ले बसते थे, दर्जनों और कोड़ियों से उनकी गणना होती थी, वहाँ लैला अकेली थी। उन महलों में अब शफा खाने, मदरसे और पुस्तकालय थे। जहाँ महल सरों का वार्षिक व्यय करोड़ों तक पहुँचता था, यहाँ अब हजारों से आगे न बढ़ता था। शेष रुपए प्रजा हित के कामों में खर्च कर दिए जाते थे। यह सारी कतर ब्योत लैला ने की थी। बादशाह नादिर शाह था, पर अख्तियार लैला के हाथों में था। सब कुछ था, किंतु प्रजा संतुष्ट न थी। उसका असंतोष दिन दिन बढ़ता जाता था। राज सत्तावादियों को भय था कि अगर यही हाल रहा तो बादशाह के मिट जाने में संदेह नहीं। जमशेद का लगाया हुआ वृक्ष जिसने हजारों सदियों से आंधी और तूफान का मुकाबला किया, अब एक हसीना के नाजुक पर कातिल हाथों जड़ से उखाड़ा जा रहा है। उधर प्रजा सत्तावादियों को लैला से जितनी आशाएं थीं, सभी दुराशाएं सिद्ध हो रही थीं। वे कहते, अगर ईरान इस चाल से तरक्की के रास्ते पर चलेगा तो इससे पहले कि वह मंजिले मकसूद पर पहुंचे, कयामत आ जाएगी। दुनिया हवाई जहाज पर बैठी उड़ी जा रही है और हम अभी ठेलों पर बैठते भी डरते हैं कि कहीं इसकी हरकत से दुनिया में भूचाल ना आ जाए। दोनों दलों में आए दिन लड़ाइयाँ होती रहती थी। ना नादिर के समझाने का असर अमीरों पर होता था, ना लैला के समझाने का गरीबों पर। सामंत नादिर के खून के प्यासे हो गए, प्रजा लैला की जानी दुश्मन। राज्य में तो यह अशांति फैली हुई थी, विद्रोह की आग दिलों में सुलग रही थी और राजभवन में प्रेम का शांतिमय राज्य था। बादशाह और मलका दोनों प्रजा संतोष की कल्पना में मग्न थे। रात का समय था। नादिर और लैला आरामगाह में बैठे हुए शतरंज की बाजी खेल रहे थे। कमरे में कोई सजावट न थी, केवल एक जाजिम बिछी हुई थी। नादिर ने लैला का हाथ पकड़कर कहा, बस अब यह जाती नहीं, तुम्हारी चाल हो चुकी। यह देखो, तुम्हारा एक प्यादा पिट गया। लैला, अच्छा यह छह। आपके सारे पैदल रखे रह गए और बादशाह को शह पड़ गई, इसी पर दावा था। नादिर, तुम्हारे हाथ हारने में जो मजा है वह जीतने में नहीं। लैला, अच्छा तो गोया आप दिल खुश कर रहे हैं, शह बजाइए, नहीं दूसरी चाल में मात होती। नादिर, अच्छा आप संभल जाना, तुमने मेरे बादशाह की तोहिन की है। एक बार मेरा फर्जी उठा तो तुम्हारे प्यादों का सफाया कर देगा। लैला, बसंत की भी खबर है, आपको दो बार छोड़ दिया, आपकी हरगिज ना छोड़ूंगी। नादिर, अब तक मेरे पास दिलराम है, पाशा को कोई गम नहीं। लैला, अच्छा यह शह लाइए अपने दिलराम को, कहिए अब तो मात हुई। नादिर, हाँ जाने मन, अब मात हो गई। जब मैं ही तुम्हारी अदाओं पर निसार हो गया तब मेरा बादशाह कब बच सकता था। लैला, बातें ना बनाइए,
चुपके से इस फरमान पर दस्तखत कर दीजिए जैसा आपने वादा किया था। यह कहकर लैला ने फरमान निकाला जिसे उसने खुद अपने मोती के से अक्षरों से लिखा था। इसमें अन्न का आयात कर घटाकर आधा कर दिया गया था। लैला प्रजा को भूली ना थी, वह अब भी उनकी हित कामना में संलग्न रहती। नादिर ने इस शर्त पर फरमान पर दस्तखत करने का वचन दिया था कि लैला उसे शतरंज में 3 बार मात करे। वह सिद्धहस्त खिलाड़ी था, इसे लैला जानती थी, पर यह शतरंज की बाजी ना थी, केवल विनोद था। नादिर ने मुस्कुराते हुए फरमान पर हस्ताक्षर कर दिए। कलम के एक एक चिन्ह से प्रजा की 5 करोड़ वार्षिक दर से मुक्ति हो गई। लैला का मुख गर्व से आरक्त हो गया। जो काम वर्षों के आंदोलन से ना हो सकता था, वह प्रेम कटाक्षों से कुछ ही दिनों में पूरा हो गया। यह सोचकर वह फूली ना समाती थी कि जिस वक्त वह फरमान सरकारी पत्रे में प्रकाशित हो जाएगा और व्यवस्थापिका सभा के लोगों को इसके दर्शन होंगे, उस वक्त प्रजावादियों को कितना आनंद होगा। लोग मेरा यश गाएंगे और मुझे आशीर्वाद देंगे। नादिर प्रेम मुग्ध होकर उसके चंद्रमुख की ओर देख रहा था। मानो उसका वश होता तो सौंदर्य की इस प्रतिमा को हृदय में बिठा लेता। सहसा राज्य भवन के द्वार पर शोर मचने लगा। एक क्षण में मालूम हुआ कि जनता का टिड्डी दल अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित राजद्वार पर खड़ा दीवारों को तोड़ने की चेष्टा कर रहा है। प्रतिक्षण शोर बढ़ता जाता था और ऐसी आशंका होती थी कि क्रोधोन्माद जनता द्वारों को तोड़कर भीतर घुस आएगी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि कुछ लोग सीढ़ियाँ लगाकर दीवार पर चढ़ रहे हैं। लैला लज्जा और ग्लानी से सिर झुकाए खड़ी थी। उसके मुख से एक शब्द भी ना निकलता था। क्या यही वह जनता है जिनके कष्टों की कथा कहते हुए उसकी वाणी उन्मत्त हो जाती थी? यही वह अशक्त, दलित, क्षुधा पीड़ित, अत्याचार की वेदना से तड़पती हुई जनता है जिस पर वह अपने को अर्पण कर चुकी थी। नादिर भी मौन खड़ा था, लेकिन लज्जा से नहीं, क्रोध से उसका मुख तमतमा उठा था। आंखों से चिंगारियां निकल रही थी। बार बार ओंठ चबाता और तलवार के कब्जे पर हाथ रखकर रह जाता था। वह बार बार लैला की ओर संतप्त नेत्रों से देखता था। जरा इशारे की देर थी, उसका हुक्म पाते ही उसकी सेना इस विद्रोही दल को यूं भगा देगी जैसे आंधी पत्तों को उड़ा देती है। पर लैला से आंखें न मिलती थी। आखिर वह अधीर होकर बोला, लैला, मैं राज सेना को बुलाना चाहता हूँ, क्या कहती हो? लैला ने दीनतापूर्ण नेत्रों से देखकर कहा, जरा ठहरिए, ठहर जाइए, पहले इन लोगों से पूछिए कि क्या चाहते हैं। आदेश पाते ही नादिर छत पर चढ़ गया, लैला भी उसके पीछे पीछे ऊपर आ पहुंची। दोनों अब जनता के सम्मुख आकर खड़े हो गए। मशालों के प्रकाश में लोगों ने इन दोनों को छत पर खड़े देखा, मानो आकाश से देवता उतर आए हों। सहस्त्रों से ध्वनि निकली, वह खड़ी है लैला, वह खड़ी। यह वह जनता थी जो लैला के मधुर संगीत पर मस्त हो जाया करती थी। नादिर ने उच्च स्वर से विद्रोहियों को संबोधित किया, ए ईरान की बदनसीब रियाया, तुमने शाही महल को क्यों घेर रखा है? क्यों बगावत का झंडा खड़ा किया है? क्या तुमको मेरा और अपने खुदा का बिल्कुल खौफ नहीं है? क्या तुम नहीं जानते कि मैं अपनी आँखों के एक इशारे से तुम्हारी हस्ती खाक में मिला सकता हूँ? मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि एक लम्हे के अंदर यहाँ से चले जाओ, वरना कलाम पाक की कसम मैं तुम्हारे खून की नदी बहा दूंगा। एक आदमी ने, जो विद्रोहियों का नेता मालूम होता था, सामने आकर कहा, हम उस वक्त तक ना जाएंगे जब तक शाही महल लैला से खाली ना हो जाएगा। नादिर ने बिगड़ कर कहा, ओ नाशुक्रों, खुदा से डरो, तुम्हें अपनी मलिका की शान में ऐसी बेअदबी करते हुए शर्म नहीं आती? जब से लैला तुम्हारी मलिका हुई है, उसने तुम्हारे साथ कितनी रियायतें की, क्या उन्हें तुम बिल्कुल भूल गए? जालिमो, वह मलिका है, पर वही खाना खाती है जो तुम कुत्तों को खिला देते हो, वही कपड़े पहनती है जो तुम फकीरों को दे देते हो। आकर महल सरा में देखो, तुम इसे अपनी झोपड़ों ही की तरह तकल्लुफ और सजावट से खाली पाओगे। लैला तुम्हारी मलिका होकर भी फकीरों की जिंदगी बसर करती है, तुम्हारी खिदमत में हमेशा मस्त रहती है। तुम्हें उसके कदमों की खाक माथे पर लगानी चाहिए, आंखों का सुरमा बनाना चाहिए। ईरान के तख्त पर कभी ऐसे गरीबों पर जान देने वाली, उनके दर्द में शरीक होने वाली,
गरीबों पर अपने को निसार करने वाली मलका ने कदम नहीं रखे और उसकी शान में तुम ऐसी बेहुदा बातें करते हो। अफसोस, मुझे मालूम हो गया कि तुम जाहिल इंसानियत से खाली और कमीने हो। तुम इसी काबिल हो कि तुम्हारी गर्दन कुंद छुरी से काटी जाए, तुम्हें पैरों तले रौंदा जाए। नादिर बात भी पूरी ना कर पाया था कि विद्रोहियों ने एक स्वर से चिल्लाकर कहा, लैला हमारी दुश्मन है, हम उसे अपनी मलिका की सूरत में नहीं देख सकते। नादिर ने जोर से चिल्लाकर कहा, जालिमो जरा खामोश हो जाओ, यह देखो वह फरमान है जिस पर लैला ने अभी अभी मुझसे जबरदस्ती दस्तखत करवाए हैं। आज से गले का महसूल घटाकर आधा कर दिया गया है और तुम्हारे सिर से महसूल का बोझ 5 करोड़ कम हो गया है। हजारों आदमियों ने शोर मचाया, यह महसूल बहुत पहले बिल्कुल माफ हो जाना चाहिए था, हम एक कौड़ी नहीं दे सकते। लैला, लैला हम उसे अपनी मलिका की सूरत में नहीं देख सकते। अब बादशाह क्रोध से कांपने लगा। लैला ने सजल नेत्र होकर कहा, अगर रियाया की यही मर्जी है कि मैं फिर डब बजा बजा कर गाती फिरूं, तो मुझे उज्र नहीं। मुझे यकीन है कि मैं अपने गाने से एक बार फिर इनके दिल पर हुकूमत कर सकती हूँ। नादिर ने उत्तेजित होकर कहा, लैला मैं रियाया की तुनक मिजाजियों का गुलाम नहीं। इससे पहले कि मैं तुम्हें अपने पहलू से जुदा करूं, तहरान की गलियां खून से लाल हो जाएंगी। मैं इन बादशाहों को इनकी शरारत का मज़ा चखाता हूं। नादिर ने मीनार पर चढ़कर खतरे का घंटा बजाया। सारे तहरान में उसकी आवाज़ गूंज उठी। शाही फौज का एक आदमी नज़र न आया। नादिर ने दोबारा घंटा बजाया। आकाश मंडल उसकी झंकार से कंपित हो गया। तारागण कांप उठे, पर एक भी सैनिक न निकला। नादिर ने तीसरी बार घंटा बजाया, पर उसका भी उत्तर केवल एक क्षीण प्रतिध्वनि ने दिया, मानो किसी मरने वाले की अंतिम प्रार्थना के शब्द हों। नादिर ने माथा पीट लिया, समझ गया कि बुरे दिन आ गए हैं। अब भी लैला को जनता के दुराग्रह पर बलिदान करके वह अपनी राज सत्ता की रक्षा कर सकता था, पर लैला उसे प्राणों से प्रिय थी। उसने छत पर आकर लैला का हाथ पकड़ लिया और उसे लिए हुए सदर फाटक से निकला। विद्रोहियों ने एक विजय ध्वनि के साथ उनका स्वागत किया, पर सब के सब किसी गुप्त प्रेरणा के वश में रास्ते से हट गए। दोनों चुपचाप तेहरान की गलियों में होते हुए चले जाते थे। चारों ओर अंधकार था, दुकानें बंद थीं, बाजारों में सन्नाटा छाया हुआ था, कोई घर से बाहर ना निकलता था। फकीरों ने भी मस्जिदों में पनाह ले ली थी, पर इन दोनों प्राणियों के लिए कोई आश्रय ना था। नादिर की कमर में तलवार थी, लैला के हाथ में ढप थी, उनके विशाल ऐश्वर्य का विलुप्त चिन्ह था। पूरा साल गुजर गया। लैला और नादिर देश विदेश की खाक छानते फिरते थे। समरकंद और बुखारा, बगदाद और हलब, काहिरा और अदन, ये सारे देश उन्होंने छान डाले। लैला की ढप फिर जादू करने लगी। उसकी आवाज़ सुनते ही शहर में हलचल मच जाती, आदमियों का मेला लग जाता, आओ भगत होने लगती। लेकिन ये दोनों यात्री कहीं एक दिन से अधिक न ठहरते थे, न किसी से कुछ मांगते, न किसी के द्वार पर जाते, केवल रूखा सूखा भोजन कर लेते और कभी किसी वृक्ष के नीचे, कभी पर्वत की गुफा में और कभी सड़क के किनारे रात काट देते थे। संसार के कठोर व्यवहार ने उन्हें विरक्त कर दिया था, उसके प्रलोभन से कोसों दूर भागते थे। उन्हें अनुभव हो गया था कि जिसके लिए प्राण अर्पण कर दो वही अपना शत्रु हो जाता है, जिसके लिए भलाई करो वही बुराई की कमर बांधता है। यहाँ किसी से दिल न लगाना चाहिए। उसके पास बड़े बड़े रईसों के निमंत्रण आते, उन्हें एक दिन अपना मेहमान बनाने के लिए हजारों मिन्नतें करते, पर लैला किसी की न सुनती। नादिर को अब तक कभी कभी बादशाहत की सनक सवार हो जाती। वह चाहता था कि गुप्त रूप से शक्ति संग्रह करके तेहरान पर चढ़ जाऊं और बागियों को परास्त करके अखंड राज्य करूं, पर लैला की उदासीनता देखकर उसे किसी से मिलने जुलने का साहस न होता था। लैला उसकी प्राणेश्वरी थी, वह उसी के इशारों पर चलता था। उधर ईरान में भी अराजकता फैली हुई थी।
जनसत्ता से तंग आकर रईसों ने भी फौजें जमा कर ली थी और दोनों दलों में आए दिन संग्राम होता रहता था। पूरा साल गुजर गया और खेत न जुते। देश में भीषण अकाल पड़ा हुआ था। व्यापार शिथिल था, खजाना खाली था। दिन दिन जनता की शक्ति घटती जाती थी और रईसों का जोर बढ़ता जाता था। आखिर यहाँ तक नौबत पहुँची कि जनता ने हथियार डाल दिए और रईसों ने राजभवन पर अपना अधिकार जमा लिया। प्रजा के नेताओं को फांसी दे दी गई, कितने ही कैद कर दिए गए और जनसत्ता का अंत हो गया। शक्तिवादियों को अब नादिर की याद आई। यह बात अनुभव से सिद्ध हो गई थी। देश में प्रजातंत्र स्थापित करने की क्षमता का अभाव है। प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत न थी। इस अवसर पर राजसत्ता ही देश का उद्धार कर सकती थी। वह भी मानी हुई बात थी कि लैला और नादिर को जन्मत से विशेष प्रेम न होगा। वे सिंहासन पर बैठकर भी रईसों ही के हाथ में कठपुतली बने रहेंगे और रईसों को प्रजा पर मनमाने अत्याचार करने का अवसर मिलेगा। अतएव आपस में लोगों ने सलाह की और प्रतिनिधि नादिर को मना लाने के लिए रवाना हुए। संध्या का समय था। लैला और नादिर दमिश्क में एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। आकाश पर लालिमा छाई हुई थी और उससे मिली हुई पर्वतमालाओं की श्याम रेखा ऐसी मालूम हो रही थी मानो कमल दल मुरझा गया हो। लैला उल्लसित नेत्रों से प्रकृति की यह शोभा देख रही थी। नादिर मलिन और चिंतित भाव से लेटा हुआ सामने के सुदूर प्रांत की ओर त्रसित नेत्रों से देख रहा था, मानो इस जीवन से तंग आ गया है। सहसा बहुत दूर गर्द उड़ती हुई दिखाई दी और एक क्षण में ऐसा मालूम हुआ कि कुछ आदमी घोड़ों पर सवार चले आ रहे हैं। नादिर उठ बैठा और गौर से देखने लगा कि ये कौन आदमी है। अकस्मात वह उठकर खड़ा हो गया। उसका मुखमंडल दीपक की भांति चमक उठा। जर्जर शरीर में एक विचित्र स्फूर्ति दौड़ गई। वह उत्सुकता से बोला, लैला ये तो ईरान के आदमी हैं। कलाम पाक की कसम, ये ईरान के आदमी हैं। इनके लिबास से साफ जाहिर हो रहा है। लैला ने भी उन यात्रियों की ओर देखा और सचेत होकर बोली, अपनी तलवार संभाल लो, शायद उसकी जरूरत पड़े। नादिर, नहीं लैला, ईरान के लोग इतने कमीने नहीं हैं कि अपने बादशाह पर तलवार उठाएं। लैला, पहले मैं भी यही समझती थी। सवारों ने समीप आकर घोड़े रोक लिए। उतर कर बड़े अदब से नादिर को सलाम किया। नादिर बहुत जब्त करने पर भी अपने मनोवेग को ना रोक सका, दौड़कर उनके गले लिपट गया। वह अब बादशाह ना था, ईरान का एक मुसाफिर था। बादशाहत मिट गई थी पर ईरानियत रोम रोम में भरी हुई थी। वे तीनों आदमी इस समय ईरान के विधाता थे। इन्हें वह खूब पहचानता था। उनकी स्वामी भक्ति की वह कई बार परीक्षा ले चुका था। उन्हें लाकर अपने बोरिए पर बैठाना चाहा, लेकिन वे जमीन पर ही बैठे। उनकी दृष्टि से वह बोरिया उस समय सिंहासन था जिस पर अपने स्वामी के सम्मुख वे कदम न रख सकते थे। बातें होने लगी। ईरान की दशा अत्यंत शोचनीय थी। लूट मार का बाजार गर्म था। न कोई व्यवस्था थी, न व्यवस्थापक थे। अगर यही दशा रही तो शायद बहुत जल्द उसकी गर्दन में पराधीनता का जुआ पड़ जाए। देश अब नादिर को ढूंढ रहा था। उसके सिवा कोई दूसरा उस डूबते हुए बेड़े को पार नहीं लगा सकता था। इसी आशा से ये लोग उसके पास आए थे। नादिर ने विरक्त भाव से कहा, एक बार इज्जत ली, क्या अब की जान लेने की सोची है? मैं बड़े आराम से हूँ, आप मुझे दिख न करें। सरदारों ने आग्रह करना शुरू किया, हम हुजूर का दामन न छोड़ेंगे। यहाँ अपनी गर्दनों पर छुरी फेर कर हुजूर के कदमों पर जान दे देंगे। जिन बदमाशों ने आपको परेशान किया, अब उनका कहीं निशान भी नहीं रहा। हम लोग उन्हें फिर कभी सिर नहीं उठाने देंगे, सिर्फ हुजूर की आड़ चाहिए। नादिर ने बात काट कर कहा, साहबों, अगर आप मुझे इस इरादे से ईरान का बादशाह बनाना चाहते हैं तो माफ़ कीजिए। मैंने इस सफ़र में रियाया की हालत का गौर से मुलाहजा किया है और इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि सभी मुल्कों में उनकी हालत ख़राब है। वे रहम के काबिल हैं। ईरान में मुझे कभी ऐसे मौके ना मिले थे। मैं रियाया को अपने दरबारियों की आँखों से देखता था।
मुझसे आप लोग यह उम्मीद ना रखें कि रियाया को लूटकर आपकी जेबें भरूंगा। यह अजाब अपनी गर्दन पर नहीं ले सकता। मैं इंसाफ का मिजान बराबर रखूंगा और इसी शर्त पर ईरान चल सकता हूँ, लैला ने मुस्कुराते कहा। तुम रियाया का कसूर माफ़ कर सकते हो क्योंकि उसकी तुमसे कोई दुश्मनी न थी। उसके दांत तो मुझ पर थे, मैं उसे कैसे माफ़ कर सकती हूँ, नादिर ने गंभीर भाव से कहा। लैला, मुझे यकीन नहीं आता कि तुम्हारे मुंह से मैं ऐसी बातें सुन रहा हूँ। लोगों ने समझा अभी उन्हें भड़काने की ज़रूरत ही क्या है, ईरान में चलकर देखा जाएगा। दो चार मुखबिरों से रियाया के नाम पर ऐसे उपद्रव खड़े करा देंगे कि इनके सारे ख्याल पलट जाएंगे। एक सरदार ने अर्ज की, हुजूर यह क्या फरमाते हैं? क्या हम इतने नादान हैं कि हुजूर को इंसाफ के रास्ते से हटाना चाहेंगे? इंसाफ ही बादशाह का जौहर है और हमारी दिली आरजू है कि आपका इंसान ही नौशेरवा को भी शर्मिंदा कर दे। हमारी मंशा सिर्फ यह थी कि आइंदा से हम रियाया को कभी ऐसा मौका ना देंगे कि वह हुजूर की शान में बेअदबी कर सके। हम अपनी जानें हुजूर पर निशार करने के लिए हाजिर रहेंगे। सहसा ऐसा मालूम हुआ कि सारी प्रकृति संगीतमय हो गई। पर्वत और वृक्ष, तारे और चांद, वायु और जल सभी एक स्वर से गाने लगे। चांदनी की निर्मल छटा में, वायु के नीरव प्रभाव में संगीत की तरंगे उठने लगीं। लैला अपना ढप बजा बजा कर गा रही थी। आज मालूम हुआ ध्वनि ही सृष्टि का मूल है। पर्वतों पर देवियां निकल निकल कर नाचने लगीं, आकाश पर देवता नृत्य करने लगे। संगीत ने एक नया संसार रच डाला। उसी दिन से जबकि प्रजा ने राजभवन के द्वार पर उपद्रव मचाया था और लैला के निर्वासन पर आग्रह किया था, लैला के विचारों में क्रांति हो रही थी। जन्म से ही उसने जनता के साथ सहानुभूति करना सीखा था। वह राज्य कर्मचारियों को प्रजा पर अत्याचार करते देखती थी और उसका कोमल हृदय तड़प उठता था। तब धन ऐश्वर्य और विलास से उसे घृणा होने लगती थी जिसके कारण प्रजा को इतने कष्ट भोगने पड़ते हैं। वह अपने में किसी ऐसी शक्ति का आह्वान करना चाहती थी कि जो आताताइयों के हृदय में दया और प्रजा के हृदय में अभय का संचार करे। उसकी बाल कल्पना उसे एक सिंहासन पर बिठा देती जहां वह अपनी न्याय नीति से संसार में युगांतर उपस्थित कर देती। कितनी रातें उसने यही स्वप्न देखने में काटी थी, कितनी बार वह अन्याय पीड़ितों के सिरहाने बैठकर रोई थी। लेकिन जब एक दिन ऐसा आया कि उसके स्वर्ण स्वप्न आंशिक रीति से पूरे होने लगे, तब उसे एक नया और कठोर अनुभव हुआ। उसने देखा प्रजा इतनी सहनशील, इतनी दीन और दुर्बल नहीं है जितना वह समझती थी। इसकी अपेक्षा उसमें ओछेपन, अविचार और अशिष्टता की मात्रा कहीं अधिक थी। वह सद्व्यवहार की कदर करना नहीं जानती, शक्ति पाकर उसका सदुपयोग नहीं कर सकती। उसी दिन से उसका दिल जनता से फिर गया था। जिस दिन नादिर और लैला ने फिर तेहरान में पदार्पण किया, सारा नगर उनका अभिवादन करने के लिए निकल पड़ा। शहर पर आतंक छाया हुआ था, चारों ओर करुण रुदन की ध्वनि सुनाई देती थी। अमीरों के मोहल्ले में श्री लौटती फिरती थी, गरीबों के मोहल्ले उजड़े हुए थे। उन्हें देखकर कलेजा फट जाता था। नादिर रो पड़ा, लेकिन लैला के होंठों पर निष्ठुर निर्दय हास्य छटा दिख रही थी। नादिर के सामने अब एक विकट समस्या थी। वह नित्य देखता कि मैं जो करना चाहता हूँ वह नहीं होता और जो नहीं करना चाहता वह होता है, और इसका कारण लैला है, पर कुछ कह ना सकता था। लैला उसके हर काम में हस्तक्षेप करती रहती थी। वह जनता के उपकार और उद्धार के लिए विधान करता, लैला उसमें कोई ना कोई विघ्न अवश्य डाल देती और उसे चुप रह जाने के सिवा और कुछ ना सोचता। लैला के लिए उसने एक बार राज्य का त्याग कर दिया था, तब आपत्तिकाल ने लैला की परीक्षा की थी। इतने दिनों की विपत्ति में उसे लैला के चरित्र का जो अनुभव प्राप्त हुआ था, वह इतना मनोहर, इतना सरस था कि वह लैलामय हो गया था। लैला ही उसका स्वर्ग थी, उसके प्रेम में रत रहना ही उसकी परम अभिलाषा थी। इस लैला के लिए वह अब क्या कुछ न कर सकता था,
प्रजा की और साम्राज्य की उसके सामने क्या हस्ती थी। इसी भांति 3 साल बीत गए। प्रजा की दशा दिन दिन बिगड़ती ही गई। एक दिन नादिर शिकार खेलने गया और साथियों से अलग होकर जंगल में भटकता फिरा। यहाँ तक कि रात हो गई और साथियों का पता न चला। घर लौटने का भी रास्ता न जानता था। आखिर खुदा का नाम लेकर वह एक तरफ चला कि कहीं तो कोई गांव या बस्ती का नाम निशान मिलेगा। वहां रात भर पड़ रहूंगा, सवेरे लौट जाऊंगा। चलते चलते जंगल के दूसरे सिरे पर उसे एक गांव नजर आया जिसमें मुश्किल से 3-4 हजार घर होंगे। हाँ, एक मस्जिद अलबत्ता बनी हुई थी। मस्जिद में एक दीपक टिमटिमा रहा था, पर किसी आदमी या आदमजात का निशान ना था। आधी रात से ज़्यादा बीत चुकी थी, इसलिए किसी को कष्ट देना भी उचित ना था। नादिर ने घोड़े को एक पेड़ से बांध दिया और उसी मस्जिद में रात काटने की ठानी। वहाँ एक फटी सी चटाई पड़ी हुई थी, उसी पर लेट गया। दिन भर तक सोता रहा, पर किसी की आहट पाकर चौंका तो क्या देखता है कि एक बूढ़ा आदमी बैठा नमाज पढ़ रहा। उसे यह खबर ना थी कि रात गुजर गई और यह फजल की नमाज है। वह पड़ा पड़ा देखता रहा। वृद्ध पुरुष ने नमाज अदा की, फिर वह छाती के सामने अजील फैलाकर दुआ मांगने लगा। दुआ के शब्द सुनकर नादिर का खून सर्द हो गया। वह दुआ उसके राज्यकाल की ऐसी तीव्र, ऐसी वास्तविक, ऐसी शिक्षाप्रद आलोचना थी जो आज तक किसी ने ना की थी। उसे अपने जीवन में अपना अपयश सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। वह यह तो जानता था कि मेरा शासन आदर्श नहीं, लेकिन उसने कभी कल्पना ना की थी कि प्रजा की विपत्ति इतनी असत्य हो गई। दुआ यह थी कि ऐ खुदा, तू ही गरीबों का मददगार और बेकसों का सहारा है। तू इस जालिम बादशाह के जुल्म देखता है और तेरा कहर उस पर नहीं गिरता। यह बेदीन काफिर एक हसीन औरत की मोहब्बत में अपने को इतना भूल गया कि ना आँखों से देखता है, ना कानों से सुनता है। अगर देखता है तो उसी औरत की आँखों से, सुनता है तो उसी औरत के कानों से। अब यह मुसीबत नहीं सही जाती। या तो तू उस जालिम को जहन्नुम पहुँचा दे, या हम बेकसों को दुनिया से उठा ले। ईरान उसके जुल्म से तंग आ गया है और तू ही उसके सिर से इस बला को टाल सकता है। बूढ़े ने तो अपनी छड़ी संभाली और चलता हुआ, लेकिन नादिर मृतक की भांति वहीं पड़ा रहा, मानो उस पर बिजली गिर पड़ी हो। एक सप्ताह तक नादिर दरबार में ना आया, ना किसी कर्मचारी को अपने पास आने की आज्ञा दी। दिन के दिन पड़ा अंदर सोचता रहा कि क्या करूं, नाम मात्र को कुछ खा लेता। लैला बार बार उसके पास जाती और कभी उसका सिर अपनी जांग पर रखकर, कभी उसके गले में बाहें डालकर पूछती, तुम क्यों इतने उदास और मलिन हो। नादिर उसे देखकर रोने लगता, पर मुंह से कुछ न कहता। यश या लैला, यही उसके सामने कठिन समस्या थी। उसके हृदय में भीषण द्वंद्व रहता और वह खुद निश्चय न कर सकता था। यश प्यारा था, पर लैला उससे भी प्यारी थी। वह बदनाम होकर जिंदा रह सकता था। लैला उसके रोम रोम में व्याप्त थी। अंत को उसने निश्चय कर लिया, लैला मेरी है, मैं लैला का हूँ। ना मैं उससे अलग, ना वह मुझसे जुदा। जो कुछ वह करती है मेरा है, जो मैं करता हूँ उसका है। यह मेरा और तेरा का भेद ही कहाँ। बादशाहत नश्वार है, प्रेम अमर। हम अनंत काल तक एक दूसरे के पहलू में बैठे हुए स्वर्ग के सुख भोगेंगे। हमारा प्रेम अनंत काल तक आकाश में तारे की भांति चमकेगा। नादिर प्रसन्न होकर उठा। उसका मुख मंडल विजय की लालिमा से रंजित हो रहा था। आंखों में शौर्य टपका पड़ता था। वह लैला के प्रेम का प्याला पीने जा रहा था, जिसे एक सप्ताह से उसने मुंह नहीं लगाया था। उसका हृदय उसी उमंग से उछलता पड़ता था जो आज से 5 साल पहले उठा करती थी। प्रेम का फूल कभी नहीं मुरझाता, प्रेम की नींद कभी नहीं उतरती। लेकिन लैला की आरामगाह के द्वार बंद थे। उसका ढब जो द्वार पर नित्य एक खूंटी से लटका रहता था, गायब था। नादिर का कलेजा सन्न सा हो गया। द्वार बंद रहने का आशय तो यह हो सकता है कि लैला बाग में होगी, लेकिन ढब कहाँ गया। संभव है वह ढब लेकर बाग में गई हो।
लेकिन यह उदासी क्यों छाई है, यह हसरत क्यों बरस रही है? नादिर ने कांपते हुए हाथों से द्वार खोल दिया। लैला अंदर ना थी, पलंग बिछा हुआ था, शमा जल रही थी, वजू का पानी रखा हुआ था। नादिर के पांव थर्राने लगे। क्या लैला रात को भी नहीं सोती? कमरे की एक एक वस्तु में लैला की याद थी, उसकी तस्वीर थी ज्योतिहीन नेत्र। नादिर का दिल भराया, उसकी हिम्मत ना पड़ी कि किसी से कुछ पूछे। हृदय इतना कातिर हो गया कि हद बुद्धि की भांति फर्श पर बैठकर बिलक बिलक कर रोने लगा। जब जरा आंसू थमे तब उसने बिस्तर को सूंघा कि शायद लैला की स्पर्श की कुछ गंध आए, लेकिन खास और गुलाब की महक के सिवा और कोई सुगंध ना थी। सहसा उसे तकिए के नीचे से बाहर निकला हुआ एक कागज का पुर्जा दिखाई दिया। उसने एक हाथ से कलेजे को संभाल कर पुर्जा निकाल लिया और सहमी हुई आंखों से उसे देखा। एक निगाह में सब कुछ मालूम हो गया। वह नादिर की किस्मत का फैसला था। नादिर के मुंह से निकला हाय लैला, और वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। लैला ने पुर्जे में लिखा था, मेरे प्यारे नादिर, तुम्हारी लैला तुमसे जुदा होती है हमेशा के लिए। मेरी तलाश मत करना, मेरा सुराग ना पाओगे। मैं तुम्हारी मोहब्बत की लौंडी थी, तुम्हारी बादशाहत की भूखी नहीं। आज एक हफ्ते से देख रही हूँ, तुम्हारी निगाह फिरी हुई है। तुम मुझसे नहीं बोलते, मेरी तरफ आंख उठाकर नहीं देखते, मुझसे बेजार रहते हो। मैं किन किन अरमानों से तुम्हारे पास जाती हूँ और कितनी मायूस होकर लौटती हूँ, इसका तुम अंदाज नहीं कर सकते। मैंने इस सजा के लायक कोई काम नहीं किया। मैंने जो कुछ किया है तुम्हारी ही भलाई के ख्याल से। एक हफ्ता मुझे रोते गुजर गया। मुझे मालूम हो रहा है कि अब मैं तुम्हारी नज़रों से गिर गई, तुम्हारे दिल से निकाल दी गई। आह, ये 5 साल हमेशा याद रहेंगे, हमेशा तड़पाते रहेंगे। यही ढप लेकर आई थी, वही लेकर जाती हूँ। 5 साल मोहब्बत के मज़े उठाकर जिंदगी भर के लिए हसरत का दाग लिए जाती हूँ। लैला मोहब्बत की लौंडी थी, जब मोहब्बत ना रही तब लैला क्यों कर रहती रुखसत। तो यह थी मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी हुई कहानी लैला। आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आएगी।